हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियास किचन। आज हम बनाएंगे पनीर चिली ब्रेड रोल, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। बिल्कुल आसान तरीके से झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसे इफ्तारी में रमजान के महीने में भी बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए अब हम पनीर चिली ब्रेड रोल बनाते हैं। पनीर चिली ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है कट की हुई स्लाइस ब्रेड। पनीर चिली ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने उसके अंदर डालने के लिए लिया हुआ है यहाँ पे बॉईल किए हुए 3 पोटैटो और मटर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, चॉप किए हुए चीज, चॉप किया हुआ पनीर, 1 चॉप किए हुए ऑनियन, थोड़े से गार्लिक, 1 टेबलस्पून जितना नमक, 1 टेबलस्पून जितना जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली पाउडर, चॉप किए हुए 3 या 4 ग्रीन चिली, 1.5 टीस्पून जितना आमचूर पाउडर, 1.5 टीस्पून जितना हल्दी। तो चलते हैं अब हम उसकी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। पनीर चिली ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें आलू को पहले मैश करना होगा, तो हम मैशर की मदद से उसको मैश करेंगे। आप देख सकते हो आलू और मटर को हमने पहले से ही बॉइल करके रखा हुआ था। पनीर चिली ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें उसका मसाला तैयार करना होगा। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है, उसके अंदर करीबन हमने 1 या 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे तरह से गर्म हो चुका है। अब हम उसके अंदर चॉप की ऑनियन डालेंगे। और ऑनियन को ऑयल के अंदर थोड़ी सी सौते करेंगे। अब हम उसके अंदर चॉप किए हुए गार्लिक डालेंगे। ग्रीन चिली डालेंगे, हल्दी डालेंगे, अमचूर पाउडर, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कम या ज्यादा, रेड चिली पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है ताकि हमारा मसाला है जो जले नहीं। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम उसके अंदर मैश किए हुए पोटैटो डालेंगे। और मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा आलू के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम उसके अंदर चॉप किए हुए पनीर डालेंगे। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। पनीर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम उसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और 10 या 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम उसका ब्रेड रोल बनाएंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम ब्रेड रोल बनाएंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड को पानी के अंदर भिगोना होगा और हाथ के अंदर लेके हथेली से इस तरह से दबा देंगे ताकि हमारा पानी है जो बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाए।
अब हम उसके अंदर हमारे मसाले को डाल देंगे। इस तरह से बॉल बना के हम उसके अंदर चीज को रखेंगे। और मसाले से बंद कर देंगे इसको। ब्रेड रोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दबा देंगे तो सारी ब्रेड रोल हमारे अच्छी तरह से बन जाएंगे। अगर आपके पास ब्रेड की स्लाइस नहीं हो और पक्की ब्रेड हो तो उस नाइफ की मदद से इसे कट करके इसी तरह स्लाइस बना दें। इसी तरह से हम सारे ब्रेड रोल बना देंगे। आप देख सकते हो सारे ब्रेड रोल हमने बहुत ही अच्छी तरह से बना दिए हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है, उसके अंदर हमने करीबन 1.5 कप जितना ऑयल डाला है। ऑयल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हमारे ब्रेड रोल को ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को फास्ट करना है और फास्ट फ्लेम पे ही इसे पकाना है और एक साइड अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद हमें दूसरी साइड भी फ्राई करना है। देख रहे हो ब्रेड रोल हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बनने आए हैं। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। ब्रेड रोल हमारे बन चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हम बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो पनीर चीजी ब्रेड रोल हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब हम उसके अंदर खाने के लिए उसकी चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है मिंस लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स, चॉप किए हुए ग्रीन चिली, 1.5 टीस्पून जितना नमक, 1.5 टीस्पून जितना जीरा, 10 से 12 पीनट्स। तो चलिए अब हम इसकी चटनी बनाते हैं। के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छी फाइन चटनी बने हमारी। ढक्कन को खोलेंगे। अब देख सकते हो ग्रीन चटनी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ एंड फाइन बन चुकी है। पनीर चीजी ब्रेड रोल हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब हम इसे तोड़ के बताते हैं। अब देख सकते हो कितना बढ़िया बना है हमारे पनीर चीजी, तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे टेस्ट करके बताएंगे। रमजान का महीना चल रहा है, आप इसे इफ्तारी में बना सकते हो। बहुत ही अच्छा खाने की रेसिपी है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अब हम कन्नू को भी टेस्ट कराएंगे। कैसा बना है बेटा? बना सकते हो इफ्तारी में, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। बच्चों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद होता है खाने में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलेंगे जल्द नई रेसिपी के साथ।